नमस्कार दोस्तों, पेट्रोल के दाम आज दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे हैं और इस वजह से आप लोगों का खून भी खोल रहा होगा, क्योंकि एक तरफ कोरोना की वजह से लोगों की कमाई घट चुकी है और पेट्रोल के दाम है कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। तो अगर आप जानना चाहते हो कि इसके बढ़ने के पीछे मुख्य वजह क्या है तो आखिर तक इस वीडियो को जरूर देखना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को जरूर दबाना ताकि आपसे कोई भी वीडियो छूट ना सके। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि 2020 में आए कोरोना महामारी के चलते दुनिया में अचानक से लॉकडाउन लगाने की नौबत आ चुकी थी, जिस वजह से लोगों को एकदम से घर में बैठना पड़ा। सड़कों पर ना ही कोई गाड़ी चल रही थी और ना ही हवा में कोई प्लेन। ऐसे में पेट्रोल और डीजल का इस्तेमाल आखिर करता कौन? दूसरी तरफ ओपेक कंट्रीज जैसे कि ईरान, सऊदी अरेबिया और वेनेजुएला, जो कि क्रूड ऑयल का प्रोडक्शन करके सारी दुनिया को एक्सपोर्ट करती है, उनका अचानक से डिमांड घट गया। तो सप्लाई अगर ज्यादा हो और डिमांड एकदम से घट जाए तो ऐसे में चीजों के दाम तो घटेंगे ही। फिर क्या था, क्रूड ऑयल के दाम एकदम से घटकर लगभग $20 प्रति बैरल तक पहुंच गए, जिस वजह से ओपेक कंट्रीज को भारी भरकम नुकसान हुआ। इस वजह से सारी ओपेक कंट्रीज ने मिलकर यह निर्णय लिया कि जब तक क्रूड ऑयल के दाम कोरोना से पहले वाली स्थिति में नहीं पहुंच जाते तब तक हम क्रूड ऑयल की प्रोडक्शन को ज्यादा नहीं बढ़ाएंगे, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर हम सप्लाई को कम रखेंगे और डिमांड को बढ़ने देंगे तो क्रूड ऑयल के दाम एक दिन जरूर बढ़ेंगे। मैथमेटिकली देखा जाए तो अप्रैल 2020 में जब क्रूड ऑयल का दाम एकदम से घटकर $20 प्रति बैरल हो गया था तब वह भारत को लगभग ₹9 प्रति लीटर के हिसाब से मिल रहा था। अगर उसमें सेंट्रल टैक्स, स्टेट टैक्स और डीलर का कमीशन मिलाया जाए तो वह लगभग ₹74 प्रति लीटर के हिसाब से हम तक पहुंचता था। वहीं पर आज ओपेक कंट्रीज क्रूड ऑयल को $74 प्रति बैरल के दाम पर बेच रही है और वह भारत को लगभग ₹35 प्रति लीटर के हिसाब से मिल रहा है। फिर उसमें अगर सेंट्रल टैक्स, स्टेट टैक्स और डीलर कमीशन मिलाया जाए तो वह हम तक पहुंचते पहुंचते लगभग ₹100 प्रति लीटर हो गया है। ये जानकर कईयों के दिमाग में सवाल जरूर आया होगा कि चलो मान लिया कि ओपेक कंट्रीज क्रूड ऑयल के दाम बढ़ा रही है क्योंकि वह उसका प्रोडक्शन करती है, लेकिन उस पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार इतना टैक्स क्यों लगा रही है? तो दोस्तों, इसके पीछे भी एक वजह है। जब किसी सरकार को एक देश चलाना होता है तो उसकी इनकम का सोर्स ज्यादातर टैक्स ही होता है। दूसरी तरफ कोरोना की वजह से सरकार फ्री में वैक्सीनेशन प्रोग्राम चला रही है। अब इसकी भरपाई करने के लिए सरकार कहीं ना कहीं से आपसे टैक्स तो वसूलेगी ही, क्योंकि वह कोई चैरिटी तो चला नहीं रही कि आप सबको फ्री में दे दे। लेकिन जब टैक्स चुकाने की बात आती है तो आप में से कई लोग टैक्स ना चुकाने का कोई ना कोई बहाना तो ढूंढ ही लेते हो। फिर सरकार के पास आपसे टैक्स वसूलने का केवल एक ही रास्ता होता है और वह है पेट्रोल और डीजल। इसलिए केंद्र सरकार अपना फिक्स दाम रखती है और राज्य सरकारें अलग अलग। इस वजह से आपके राज्य में पेट्रोल के दाम अलग अलग होते हैं। रही बात ओपेक कंट्रीज की तो उनकी हाल ही में एक बैठक हुई है और उसमें उनकी ये चर्चा हुई कि इस 2 साल के दाम बढ़ाने वाले एग्रीमेंट को और 6 महीने के लिए बढ़ाया जाए, यानी अक्टूबर 2022 तक। इस वजह से कई सारी डेवलपिंग कंट्रीज जैसे कि इंडिया इसे क्रिटिसाइज कर रही है। अब आगे जाकर ये देखना होगा कि पेट्रोल के दाम बढ़ेंगे या नहीं और अगर बढ़ते हैं तो कहाँ तक बढ़ेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको आज की हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना भी मत भूलना। ऐसे ही दमदार फैक्ट्स के साथ हम आपको मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।